हेलो स्टूडेंट्स, आज असी कर रहे हैं एक्सरसाइज 7B। और 7B एक्सरसाइज दे विच एक ही न्यू कंसेप्ट है जो असी एग्जाम्पल दे नाल ही सीखेंगे, और बाकी जो है फॉर्मूलाज वो सारे 7A वाले ते ही बेस्ड है। क्वेश्चन फर्स्ट द फर्स्ट पार्ट है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स दे लिए असी सॉल्व करना है, मीन्स असी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और गिवन है 2^2x + 1 इज इक्वल्स टू 8। तो सब तो पहला असी इस दे विच कंसेप्ट यूज करांगे, ए 2 की पावर दे विच है तो इसनों भी 2 की पावर दे विच कन्वर्ट करांगे। सो 2^2x + 1 है तो 8 नू असी की लिख सकते हैं 2^3। ठीक है, तो उस तो बाद हुण जो कंसेप्ट है, अगर x^a = x^b है तो मतलब बेस दोनों सेम है तो पावर्स इक्वल होणगीआं। ठीक है, सो ए जो है वह बी दे इक्वल होएगा, ये कंसैप्ट यूज़ करना है। सो इतें भी साढ़े को सेम है, बेस सेम है, 2 है, दैन जो पावर्स है ये पावर्स इक्वल होणगीआं, तां ही ये दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं। सो 2x + 1 इक्वल होएगा 3 दे। सो 2x इज इक्वल्स टू 1, इधर आके माइनस हो जाएगा, सो 2x 2 दे इक्वल है, सो x इक्वल होएगा 1 दे। ओके, दैन नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन दे विच है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सैकेंड पार्ट कर रहे हैं तो ये सानू गिवन है स्टेटमेंट। और इस दे विच देखो 2 की पावर दे विच है ना समथिंग, और इधर भी असी 2 की पावर दे विच इनू कन्वर्ट करांगे बिल्कुल सेम विच, तो 2^x + 3 है। और जो अनरूट है ये भी पावर ही होंगे, बट अनरूट का मतलब होंगे 1/2 पावर। सो दिस इज इक्वल्स टू 16 नू असी लिख सकते हैं 2^4। सो ये 2 पावर्स है तो मल्टीप्लाई दे विच है, तो मल्टीप्लाई कर दो x + 3/2, दिस इज इक्वल्स टू 2^4। हुण देखो जो ये बेस है वो सेम है तो पावर्स इक्वल हो गया, सो x + 3/2 इक्वल होएगा 4 दे। सो x + 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 4 = 8। सो एक्स इज इक्वल टू 8 - 3, सो एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसनों भी असी एक्स के लिए सॉल्व करना है, बट इस दे विच की है कि टर्म्स 2 नहीं है। हुण लास्ट क्वेश्चन दे विच टर्म्स 2 है तो असी कंपेयर कर सकते हैं ईजीली, बट इतने टर्म्स जो है 2 तो ज़्यादा है, सो इन्हों कंपेयर करना ईजी नहीं है। तो देखो असी इस दे लिए की कंसैप्ट यूज़ कर रहे हैं, 8 सेम रहेगा, और जो 2^2x है इनू असी लिख सकते हैं 2^x^2। ठीक है, पावर सेपरेट करके लिखी हुई है, +4 × 2^x + 1 है तो इसनों भी पावर सेपरेट करेंगे, 2^x × 2^1 मतलब 2 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1+2^x। हुण 2^x आ रहा है देखो सारे, तो असं इनू पहला पुट कर लें 2^x नूं ए। ठीक है, तो देखो की बन रहा है, ए बनेगा ए। ठीक है, तो इसकी पावर है 2, तो ए स्क्वायर आ जाएगा सेम, प्लस 2^x इनू असी ए पुट किया हुआ, बट जो नाल कॉन्सटेंट है 4 और 2 इनू मल्टीप्लाई करो 8 ए आएगा, सो इज इक्वल टू 1+ इनू असी पुट किया हुआ ए, सो ए आएगा। तो हुण देखो इनू लैफ्ट हैंड साइड पर लैके आओ तो की बनेगा 8a² + 8a, ये माइनस हो जाएगा, -1 = 0। सो ये की रहेगा 8a² + 7a - 1 = 0। हुण देखो ये की बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रही है ए दे विच, तो इसनों असी सॉल्व करांगे बाय फैक्टर्स। तो इस दे फैक्टर बनाओ, डिवाइड करके साढ़े को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8 एंड ऐड करके आना चाहिए 7। सो इस दे फैक्टर्स बन गए 8 और 1, 8a - e। ठीक है, ये फैक्टर्स बन रहे हैं, सो इन दे विचों हुण कॉमन देखो 8a कॉमन आ रहा है, सो a+1 रहेगा, इन्हों विचों कॉमन आएगा -1, सो ए भी रहेगा a+1। सो a+1 कॉमन फैक्टर है, उस तो बाद इतने रहेगा 8a - 1। ओके, सो a+1 = 0 होएगा,
जां फिर 8a-1 इक्वल टू 0 होएगा, बिकॉज दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो दोनों चो एक नंबर 0 होएगा। सो उस तो बाद देखो a की वैल्यू इतने किन्नी आ रही है, -1, एंड अगर ये 0 हो रहा तो a की वैल्यू आ रही है 1/8। बट a असी किनू पुट किया हो, 2^x नू, तो देखो 2^x इक्वल टू -1 कभी हो सकती है? ये कभी भी 0 नहीं होगी, ये रिजैक्ट हो जाएगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ए जो है इस तो असी सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करांगे। ये है 2^x इज इक्वल टू 1/8, तो इनू भी 2 की पावर दे विच कन्वर्ट करो, तो 1/8 नू असी की लिख सकते हैं, 1/2^3। ओके, अगर इसनों असी उपर लैके चलिए तो की हो जाएगा, पावर नैगेटिव। हुण कंपेयर करो दोनों पावरस नू, तो एक्स की वैल्यू की आएगी -3। उस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इफ, ए गिवन है सानू फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सैकेंड ए, और इन दोनों तो असी एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सब तो पहले असी फर्स्ट इक्वेशन नू सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है अंडरूट ऑफ 32^x एंड डिवाइड बाय दिस, तो डिवाइड नू असी नीचे लिख सकते हैं 2^y+1 इक्वल टू 1, ठीक है? और उस तो बाद इनू लैफ्ट साइड मल्टीप्लाई, राइट साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो की आएगा अंडरूट ऑफ 32^x इज इक्वल टू दिस इंटू 1, सेम ही रह जाएगा 2^y+1। और देखो इनू असी 2 की पावर दे विच कन्वर्ट करना है, तो 32 नू लिख सकते हैं 2^5। अंडूट है तो अंडूट का मतलब है इसकी 1/2 पावर, एंड उपर पावर है एक्स, तो देखो 3 पावर्स है जो मल्टीप्लाई होनगियाँ, ठीक है? तो मल्टीप्लाई दे विच है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2^5 इंटू 1/2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो की आएगा 5x/2 आएगा। दिस इज इक्वल टू 2^y+1। ओके, तो इतों तक हूँ 2 की पावर दे विच सॉल्व हो चुके हैं। सिमिलरली हूँ असी इसनों 2 की पावर दे विच लैके आना, सो 8^y इज इक्वल्स टू, पहला देखो ये 2 ही टर्म्स है, तो राइट साइड पर इस टर्म नू लैके आवेंगे, तो असी दोनों टर्म्स नू हुण कंपेयर कर सकते हैं आराम नाल, ठीक है? और कंपेयर करने तो पहले देखो 2 की पावर दे विच इन्हां नू कन्वर्ट करो, सो 8 नू लिख सकते हैं 2^3^y, एंड 16 नू असी की लिख सकते हैं 2^4 और इंटू दिस पावर 4-x/2, तो दोनों पावरस मल्टीप्लाई दे विच है तो मल्टीप्लाई कर दो, सो 2^ की आएगा 3y इज इक्वल्स टू 2^4, इनू 4 ना मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आएगा, माइनस 4 ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 2x आएगा। ओके, तो हुण असी की करना है, 2 की पावर दे विच कन्वर्ट कर चुके हैं, तो पावर जो बेस है सेम है, तो पावर्स कंपेयर कर दो इक्वल हो गया, सो 5x/2 इक्वल होएगा y+1 दे, ठीक है? 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो 5x इज इक्वल टू 2y+2। अगर असी इनू सिंपली लिखांगे तो एक्स वाली टर्म फिर वाई वाली टर्म माइनस होएगी इधर, इक्वल टू 2 रहेगा, तो ये साढ़े को फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। दैन सिमिलरली असी इनू सॉल्व करेंगे, तो पहले पावरस कंपेयर करो, 3y=16-2x, एक्स वाली टर्म नू लैफ्ट हैंड साइड लियाओ, प्लस दी हो जाएगी, +3y=16, तो ये साढ़े को सैकेंड इक्वेशन। तो हम फर्स्ट एंड सैकेंड इक्वेशन इनू असी दोबारा लिख लें, देखो इन्हां दे विच देखो की है, इसका कोफिशेंट 2 है, इसका 5 है, तो दोनों का एलसीएम आएगा 10, ठीक है? तो 10 एलसीएम ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 5 ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 2 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 10x+15y=80, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 10x-4y=4, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस तो यह कैंसिल हो जाएगा 10x, और ये दोनों देखो प्लस दे है तो ऐड हो जाएंगे 19y, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस होंगे 76,
तो वाई की वैल्यू की आ रही है 76 न डिवाइड कर दो 19 नाल, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ रही है 4। सो वाई की वैल्यू 4 आ चुकी है और पुट कर दो इन 1। सो पुट इन 1, 1 च पुट करेंगे की आएगा 5x माइनस 2 इंटू वाई की जो वैल्यू है 4 है, ठीक है। सो 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 2, 8 नू राइट साइड से लैके जावे तो की आएगा प्लस हो जाएगा 8 प्लस 2 10। सो 5 नाल डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो x की वैल्यू 2 आ रही है एंड y की वैल्यू 4 आ रही है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 10th, और जो 10th क्वेश्चन है देखो ये किस कंसेप्ट ते बेस्ड है। इस नू असी सपोज कर लेने दिस इज़ इक्वल्स टू के, ठीक है, तो दैन असी ये प्रूफ करांगे कि इक्वल्स टू 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 रेज टू पावर -p इक्वल्स टू के, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट तो। तो दैन की है 5 रेज टू पावर -p दी पावर असी लेनी है 1 बाय -1 बाय p, मतलब जो माइनस पी एस का रेसीप्रोकल सेम एज राइट साइड से इसकी पावर लवेंगे 1 बाय p। तो देखो पी नाल पी कैंसल हो रहा है, नैगेटिव साइन नाल नैगेटिव साइन कैंसल हो रहा है, तो 5 इक्वल आ गया k रेज टू पावर -1 बाय p दे। सिमिलरली हुण -4 रेज टू पावर -q नूं असी k दे इक्वल रखोंगे, तो इतने पावर देखो माइनस क्यू जो पावर है उसका रेसीप्रोकल, तो इसका रेसीप्रोकल की आएगा -1 बाय q, तो दोनों साइड असी -1 बाय q पावर लवेंगे, तो क्यू नाल क्यू कैंसल हो रहा है, -1 नाल -1 नाल -1 कैंसल हो रही है, तो 4 दी वैल्यू साढ़े कोल की आ रही है k रेज टू पावर -1 बाय q। हुण 20 नूं असी इस दे इक्वल रखांगे, तो 20 रेज टू पावर r इक्वल्स टू k है, तो दोनों साइड असी की लवेंगे पावर दे विच r दा जो रेसीप्रोकल है 1 बाय r। सो k रेज टू पावर भी 1 बाय r होएगी, आर नाल आर कैंसल हो जाएगा, तो 20 किस दे इक्वल आएगा k रेज टू पावर 1 बाय r दे, ठीक है। तो ये देखो साढ़े को 5, 4 एंड 20 सारिया वैल्यूज बन चुकी हैं, तो असी की लिख सकते हैं 5 × 4 = 20 दे होएगा। सो इस दे विच सारिया वैल्यूज पुट कर दो, 5 दी वैल्यू की है k रेज टू पावर -1 बाय p, 4 दी वैल्यू है k रेज टू पावर -1 बाय q, एंड 20 दी जो वैल्यू है k रेज टू पावर 1 बाय r। हुण लैफ्ट साइड k दी जो पावर है इनू ऐड कर दो, बिकॉज k जो है वो बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो k रेज टू पावर -1 बाय p - 1 बाय q इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1 बाय r आएगा, बेस सेम है, पावर्स इक्वल होंगी। सो -1 बाय p - 1 बाय q इज इक्वल टू 1 बाय r आएगा, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स नू लैफ्ट साइड ते लै जाओ, तो देखो तीनों टर्म्स एक साइड हो जाएंगी, 1 बाय p इधर आ गए प्लस का हो जाएगा, ये भी टर्म प्लस दी हो जाएगी राइट साइड जाके, और r वाली टर्म जो है ऑलरेडी प्लस विच है, तो इक्वल की रह जाएगा 0। तो देखो असं यही शो करना सी दिस इज इक्वल्स टू 0। 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन च गिवन है mn इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल है, दैन असी शो करना है इस द इक्वल गिवन है और एक्स प्लस वाई प्लस 2 की वैल्यू 0 होएगी। तो देखो पहला असं ये टर्म लैके चलते हैं, तो इसनों असी की लिख सकते हैं m + n - 1 है, अगर इसकी पावर असी पॉजिटिव करनी है तो इसका रेसीप्रोकल करना होएगा। सिमिलरली m - 1 है तो m का रेसीप्रोकल 1 बाय m, और n - 1 है तो इसका रेसीप्रोकल 1 बाय n होएगा, और राइट साइड सेम m रेज टू पावर x n रेज टू पावर y। और हुण असीं इहनूं सॉल्व करांगे, इसका एलसीएम लवेंगे, तो इसका एलसीएम की आएगा mn इसका एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई बाय n एंड मल्टीप्लाई दिस बाय m इक्वल टू m रेज टू पावर x n रेज टू पावर y। सो m + n जा n + m है ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, बिकॉज दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई च है एंड सेम है, तो इतने साढ़े को रहा 1 बाय mn। देन 1 बाय mn इज इक्वल टू m रेज टू पावर x n रेज टू पावर y। दैन 1 बाय mn असं लिख सकते हैं 1 बाय m × 1 बाय n, मतलब दोनों नू सैपरेट करके रेसीप्रोकल दे विच लिख रहे हैं। ओके देन
इस नू की लिख सकते हैं असी उपर ले आके पावर जो है वो माइनस टू हो जाएगी। सिमिलरली इसकी पावर भी माइनस वन हो जाएगी, तो एम रेस टू पावर एक्स, एन रेस टू पावर वाई। हूँ पावर जो है वो कंपेयर कर दो, क्योंकि दो फैक्टर है एम ते एन, इधर भी दो फैक्टर है एम ते एन, तो दोनों फैक्टर की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए है, दैन ही दोनों नंबर इक्वल होंगे। दैन माइनस वन इधर पावर है और यह है एक्स, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू हैगी माइनस वन, एंड सिमिलरली एन की पावर माइनस वन है और एन की पावर वाई है, सो वाई के इक्वल होएगा, ये भी माइनस वन के इक्वल होएगा। और जो असी प्रूफ करना सी एक्स प्लस वाई प्लस टू, इसकी वैल्यू देखो की आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस टू। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू भी माइनस वन एंड प्लस टू, तो की आएगा माइनस टू प्लस टू। माइनस टू प्लस टू की है जीरो ही हो जाएगा, तो राइट साइड देखो कि सी जीरो सी, तो असी इस प्रूफ करना सी एक्स प्लस वाई प्लस टू की जो वैल्यू है वो जीरो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।